ठीक है, तो ये अपन ने कल बनाया था, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और आई होप कि सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना। चले तो नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर जो बैकग्राउंड में आपको कलर दिख रहा है, बैकग्राउंड में कलर दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक इमेज लग जाए। क्या एक इमेज मुझे फ़ोटो चिपकानी है बैकग्राउंड में, ठीक है, तो कैसे चिपकाएंगे? या फिर पहले अपन इमेज देख लेते कि इमेज कैसे लगाएंगे। तो यहाँ नॉर्मल सी कोई इमेज फ़ोटो लगाते हैं अपन इसी पेज में, ठीक है, तो मैं इसके नीचे लगा रहा हूँ यहाँ पर। अब फ़ोटो कैसे लगाते हैं, इमेज कैसे लगाते हैं, सिंपल सा आपको यहाँ पर टैग लेना है IMG। IMG यानी कि इमेज टैग, ठीक है। इमेज के साथ लिखना है सोर्स SRC बराबर, और इसके अंदर हमें पाथ लिखना है जहाँ पर हमारी फ़ोटो या इमेज लिखी हुई है, रखी हुई है। क्या लिखना है? IMG SRC, IMG SRC, और यहाँ पर पाथ पेस्ट कर देना है। तो मैं कहीं से पाथ कॉपी कर लेता हूँ, मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ होंगी। ओके, सो जस्ट वेट अ मिनट, तो मैं देख लेता हूँ। ओके, मैं कोई भी फ़ोटो यहाँ पर लगा देता हूँ, तो जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है, एक कोई फ़ोटो उठा लेते हैं, यहाँ पर है, ठीक है ना, नहीं ये भी नहीं। ओके, ये मैं लगा देता हूँ कैटरीना की, ठीक है, ये कैटरीना की फ़ोटो मुझे लगाना है। तो सबसे पहले इसका लोकेशन मुझे कॉपी करना पड़ेगा, तो इस पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पर जाना है। प्रॉपर्टीज़ पर जाने के पास यहाँ पर आपको लोकेशन दिखाई दे रहा है, ये देखो विंडो में क्या दिख रहा है, लोकेशन, दिस वन। इस लोकेशन को कॉपी कर लेना एग्जैक्टली, है ना, कॉपी किया मैंने। ओके, कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है, सिंपल। फिर स्लैश लगाना है, स्लैश लगाने के बाद पिक्चर का नाम क्या है, कैट, KAT, कैट .JPG, एक्सटेंशन भी ध्यान रखना है। यहाँ पर अपन सिंपल सा पाथ पेस्ट करने के बाद नाम लिखेंगे इमेज का, .JPG, सिंपल। ओके, कैट .JPG, कैटरीना कैफ की फ़ोटो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, है ना। मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, अभी आप देख रहे हो कैटरीना की फ़ोटो लग चुकी है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। सेंटराइज करना है इसको, तो सेंटर कर सकते हो, वही सेम थिंग सेंटर टैग के अंदर, कल बताया था मैंने, दिस वन सेंटर टैग, ओकन, ओपन किया एंड आफ्टर इट क्लोज किया, दिस वन, परफेक्ट। ओके, सो नाउ अगेन एग्जीक्यूट किया, ये कैटरीना की सेंटर में आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ये थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ, इसकी साइज हाइट विड्थ तो जो है कम कर देता हूँ। तो हाइट विड्थ कैसे कम करेंगे, सिंपल, यहीं पर आपने को लिखना है HEIGHT, हाइट बराबर, और यहाँ पर जो भी आपको अच्छा लगे, फॉर एग्जाम्पल 300 लिख दिया, विड्थ में ले रहा हूँ, विड्थ इक्वल टू 300, डबल कोट्स के अंदर 300, परफेक्ट। ओके, से 300 में यहाँ पर देख रहा हूँ 300, इतना ये हो रहा है, 300 पिक्सल्स है ना, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 500 कर दिया, और इसको भी 500 कर दिया, है ना। ज़रूरी नहीं कि एक जैसे ही दो, कम ज़्यादा भी दे सकते हो आप। ये इमेज यहाँ पर देख रहा, परफेक्ट आ चुकी है। ओके, अब बात आती है कि यदि मैं ये कोड, जो मैंने एक कोड लिखा है, ये मैं आपको सेंड कर दूँ और आप अपने कंप्यूटर पे इसको रन करोगे, तो ये रन नहीं होगा। रीजन इज दैट, क्योंकि ये पिक्चर का जो लोकेशन है, ये मेरे कंप्यूटर का है, ये मेरे कंप्यूटर का लोकेशन है। तो अब क्या करें, है ना, और भी अपन पिक्चर्स लगाते हैं, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है, अपन पिक्चर्स को अपने जिस जहाँ पर अपन वेबसाइट बना रहे हैं, अपना जो वेब पेजेस रख रहे हैं, वहीं पर हमें फोल्डर बना के, है ना, रख लेना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या किया, ये मेरी फ़ोटो मैंने उठा के, एक ये फ़ोटो, एक ये फ़ोटो, एक हज़ार फ़ोटो मैंने ये कॉपी करी, कॉपी कर दी फ़ोटो, है ना, कॉपी करी। कॉपी करने के बाद हमारा जो फोल्डर है, फोल्डर कहाँ दिख रहा है आपको, दिस वन इज़ फोल्डर, इसमें मैंने राइट क्लिक किया, एक फोल्डर बनाया इमेज नाम से, इमेजेस, इमेजेस या इमेज जो भी आपको बनाना बना लीजिए, फोल्डर ओपन करना है और इसमें पेस्ट कर देना है। अभी आप देख रहा हो अलग अलग यहाँ पर आ रही हैं, तो इसमें बोल दिया गूगल, नाम दे दिया मैंने, ठीक है, सिंपल सा नाम दे दो, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। सेम थिंग यहाँ पर भी मैंने दे दिया, ठीक है, रेटिंग बोल दिया इसमें, रेटिंग, यहाँ पर भी मैंने VIDY विद्युत लिख दिया। यहाँ पर आप देख रहे हो उसके एक्सटेंशन भी है, PNG टाइप है, PNG टाइप है, PNG टाइप है,
अब इन फोटोज़ को मुझे कहाँ पर लगाना है, इन फोटोज़ को हमारे पेज में लगाना है, यहाँ पर लगाना है। अगेन मैंने क्या किया, पहले तो एक बी आर टैग दे देता हूँ, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ IMG, फिर SRC बराबर। अब मुझे पाथ में सिंपल सा सिर्फ फोल्डर का नाम देना है, दैट्स इट। और स्लैश स्लैश लगाने के बाद उस इमेज का नाम जो भी है, जैसे कि गूगल, तो गूगल डॉट जो भी एक्सटेंशन है, गूगल डॉट PNG, PNG लाइक दिस, परफेक्ट। क्या करना है, फोल्डर का नाम क्या है, फोल्डर का नाम चेक करो, फोल्डर का नाम है इमेजेस, फोल्डर का नाम है इमेजेस, मैंने लिखा इमेजेस स्लैश गूगल डॉट PNG, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट। ओके अभी आप देखोगे, अगेन मैंने क्या किया, इसको रिफ्रेश किया है ना, यहाँ पर नीचे देखोगे इमेज आ चुकी है, मैंने कोई साइज वाइज नहीं दी थी इसकी, इमेज आ चुकी है। ज़्यादा इसको सेंटर करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, या फिर अपन इसकी हाइट और विड्थ भी दे सकते हैं, तो दे दीजिए, मैंने 500 500 कर दिया यहाँ पर भी, दिस बार सेव किया, रिफ्रेश किया, ये आ गई। बाजू में मैंने फिर से एक और इमेज दी, अगेन लिखा मैंने IMG SRC इस बार इक्वल टू, यहाँ पर अपन पाथ लिख देंगे इमेजेस स्लैश स्लैश है ना, फॉर एग्जांपल रेटिंग डॉट PNG लाइक दिस। ओके और मैंने क्लोज कर दी इसको, सेव किया, अगेन आया मैं इसके बाजू में, इमेज आएगी, ये आ गई, वो ट्रांसपेरेंट थी इसलिए ऐसी आ गई, वो इमेज ही ट्रांसपेरेंट थी है ना। एक और लगा लेता हूँ मैं, IMG SRC बराबर इमेजेस स्लैश और विद्युत डॉट JPG लाइक, परफेक्ट, सेव किया। सेव करने के बाद अगेन आप देखोगे इस बार नीचे आ गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइज जो है वो कम थी, साइज साइज आपको कम ज़्यादा करना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने क्या किया, हाइट और विड्थ मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है ना, सेव कर देते हैं। हाँ अभी भी नहीं वहाँ पे बन रही है, हाइट जो है अपन ने कर दिया 400, विड्थ करना है तो विड्थ भी अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 400 चेक कर लेते बन रही कि नहीं, आ गई परफेक्ट है ना, तीन इमेज आ चुकी हैं लाइन से देख रहे हो, अभी बनेगा कि नहीं बनेगा, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दिस इज परफेक्ट, नो नो वन प्रॉब्लम हियर इमेज। अब मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड में मुझे इमेज लगाना है, क्या मुझे इसके बैकग्राउंड में पूरे पेज पर इमेज लगाना है, फोटो लगाना है, ठीक है। पहले मैं एक इमेज कहीं से भी निकाल लेता हूँ, या तो मैं इंटरनेट से निकाल लेता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर है ना बैकग्राउंड, ठीक है, इमेजेस HD लिखना है तो HD लिख दो, HD लिख दिया, हाई डेफिनेशन इमेज पे क्लिक किया, यहाँ देख सकते हो काफ़ी सारी इमेजेस आपको दिखाई दे रही हैं है ना, दिस बन देख रहे हो, परफेक्ट, कोई भी आप ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, अच्छा है ना, HD है दिस बन, ये देख रहा हूँ, और भी कोई आपको लेना है, ये भी अच्छी लग रही है इमेज है ना, ऐसी बहुत सारी यहाँ पर वॉलपेपर से इमेजेस हैं, जो भी आपको परफेक्ट लगे ले सकते हो। उसको मैंने कॉपी कर लिया या सेव कर दिया, मैंने सेव डाउनलोड कर लेता हूँ सेव, ठीक है, कहाँ पर मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ, अपने फोल्डर में, डेस्कटॉप पर मेरा फोल्डर है, इसका नाम है वेब डिज़ाइनिंग है ना, और इस इमेज के अंदर मैंने इसको सिंपल सा सेव कर दिया, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, क्लोज कर दो इसको। अभी अपने पास क्या नाम से इमेज है देख लो, अपने पास LG नाम से इमेज है, LG.JPG, ओके। अब मुझे बैकग्राउंड में सेट करना है, अभी अपन ने क्या दिया था यहाँ पे, अपन ने दिया था BG कलर, अब इमेज यदि अपन लगाते हैं बैकग्राउंड में, बॉडी के बैकग्राउंड में यदि इमेज लगाते हैं तो BG कलर नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बैकग्राउंड लिखते हैं, बैकग्राउंड इज इक्वल टू डबल कोट्स बैकग्राउंड बॉडी बैकग्राउंड डबल कोट्स, और यहाँ पर मैंने बोल दिया इमेजेस स्लैश LG.JPG, सिंपल सा इमेज वगैरह टैग का यूज़ नहीं करना, सिंपल सा क्या लिखना, बैकग्राउंड बराबर, और यहाँ पर मैंने पाथ दे दिया कि मेरा जो इमेज है वो कहाँ पर है, इमेज कहाँ पर है, इमेज है मेरा कहाँ पर, परफेक्टली यहाँ पर है, सेव किया, रिफ्रेश किया, देख रहे हो इमेज आ चुकी है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं।
सर ये तो रिपीटेड आ रही है, रिपीटेड इमेज आ रही है, आपका पेज भी बड़ा है सर, रिपीट नहीं चाहिए, फिर सीएसएस का इस्तेमाल करेंगे अपन नो रिपीटेशन के लिए। ओके सीएसएस का इस्तेमाल करेंगे, उसमें सीएसएस में नो रिपीट होता है, नो रिपीट ऐसा। ओके अभी मैंने ऐसा लिखा है बट स्टिल आई एम एग्जीक्यूटिंग इट्स नो वर्क, क्योंकि वो सीएसएस का एट्रीब्यूट है, सीएसएस सीखें जब मैं बताऊंगा। ओके परफेक्ट, इमेज बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी सभी से? कैसे लगाते हैं, नॉर्मल इमेज और बैकग्राउंड में इमेज? सर बोलिए। सर ये जो नॉर्मल इमेज है, अगर मेरे को इसको लेफ्ट में अलाइन करना हो, राइट में करना है, तो मैं कैसे हाँ करूँगा? अलाइन आपने तो लिख, सेंटर में ही करी है। हाँ परफेक्ट सही है। तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, उसको सेंटर टैग हटा दे रहा हूँ, पहला काम सेंटर टैग हटा दो, तो बाय डिफॉल्ट कहाँ आएगी, लेफ्ट में आएगी, ये तो हो गया परफेक्ट, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में आती है, तो लेफ्ट को अलाइन करने की जरूरत तो है नहीं, सेंटर के लिए सेंटर लगाया मैंने, मैंने यहाँ पर बेसिकली सीएसएस का यूज करते हैं यहाँ पर भी, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ अलाइन इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया राइट, LIRIGST राइट, अलाइन इज इक्वल टू राइट, परफेक्ट राइट में आ गया, देख रहे हो यहाँ पर आ गया, और नीचे वाली इमेज जो है ऊपर पहुँच जाएगी ऑटोमेटिक। ओके दिस बार पीओएस क्लियर है कि नहीं, अलाइन यस सर। राइट अलाइन लेफ्ट अलाइन सेंटर है ना, सब कुछ करते हो, सेंटर लिख दे रहा हूँ और सेंटर। सर सर मतलब अपन को जैसे एक लाइन छोड़ के करनी सेंटर इज हो नॉट वर्किंग, अपने हिसाब से सर, कैसा? मतलब जैसे कोई इमेज है उसको मतलब मेरे को मिडल मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस पे ही रखनी हो, तो क्या करेंगे बिल्कुल रख जाएगी, कहां पर रखना है? सर? जैसे ये जो अपना पैराग्राफ है उसके बीच में रखना हो तो? यहां पर? अच्छा यहां हाँ पर, इसके लिए सीएसएस लगता होता है, फ्लोट होता है वहां पर, फ्लोट सीएसएस में फ्लोट होता है, तो इसमें क्या रहेगा, अपन जो कंटेंट लिख रहा है ना, जैसे कंटेंट लिख रहा है, जैसे न्यूज़पेपर कैसा होता है, न्यूज़पेपर कोई भी देख लो, न्यूज़पेपर 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 है ना, उसमें क्या रहता है, इमेज लगी रहती है, देखो ध्यान से बता रहा हूँ, ये देखो जैसे कि ये है अपना ये जिस बार, ठीक है, इसमें इस साइड में इमेज लगी है, फिर कंटेंट लिखा सर, है ना, और भी देखोगे आप यहाँ पे, ये सेंटर में यहाँ पर इमेज लगी है और यहाँ पर ऐसा है, देख रहे हो आप है ना, और भी देख सकते हो यहाँ पर, ये इस साइड इमेज लगी, इस साइड इमेज लगी, बीच में कंटेंट है, ये सारा का सारा सीएसएस से सिखाऊंगा मैं कैसे होता है ना, फ्लोट होता है उसके लिए, फ्लोट फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट कैसे करना है सिखाऊंगा मैं, सीएसएस में होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट बोलते हैं उसको। ओके वहाँ पर यूज़ होता है, तो वहाँ पर सिखाऊंगा मैं, एचटीएमएल में तो आपको खसकाना पड़ेगा है ना। अब बात आती है, मान के चलो मैंने ये यहाँ पर एक इमेज रखी है ये वाली है ना, ये दिस बन, अब थोड़ा सा मैं एक्सचेंज कर देता हूँ इमेज को, तो ये रेटिंग वाली मैं ऊपर रख दे रहा हूँ और ये वाली नीचे है ना, थोड़ा सा बता रहा हूँ क्यों, तो ये आप देख रहे हो आजू बाजू इमेज दिख रही है आपको, एक ये दिख रही है एक ये देख, मैं इसके बीच में इमेज स्पेस चाहता हूँ है ना, तो एच टी एम एल में स्पेस देने के लिए एंड एन बी एस पी होता है, सी एस एस में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सी एस एस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मार्जिन वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ देखो ध्यान से, तो मैंने यहाँ पर क्या दिया, पहला यहाँ पर मैंने बोला इसके बाद एंड एन बी एस पी सेमी कॉलन, ये जो है ये एट्रीब्यूट ये स्पेसिंग प्रोवाइड करता है, ये ऐसे बहुत सारे मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिए है ना, एन बी एस पी रिफ्रेश किया, अभी देखो स्पेसिंग आ गई, एन बी एस पी मैंने इनको हटा दिया, ठीक है इनको हटा दिए तो कम इमेज आए, कम आएगा इस बार, ये देखो कम आया, एक ही आया, तो एक एंड एन वी एस पी लगाओगे तो एक स्पेस आएगा, ऐसे ऐसे जितने लगाओगे उतने यहाँ पर आ जाएंगे, परफेक्ट एन वी एस पी से आ रहा समझ में, ये देख रहा हूँ गैप इस तरीके से, तो मान के चलो बनेगा कि नहीं बनेगा, हेलो यस सर। मैंने बोला मार्जिन फॉर एग्जांपल चेक कर लेते हैं, मार्जिन तो मैंने बोला 20 और इसको यहाँ से हटा दिया है ना, रन किया, मार्जिन इज नॉट वर्किंग, सीएसएस प्रॉपर्टी है, क्योंकि मार्जिन वगैरह मैंने बताया था अभी है ना, मार्जिन पैडिंग ये सब सीएसएस की प्रॉपर्टी है ना, तो यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं आप, इस तरीके से स्पेसिंग यूज़ कर सकते हैं, स्पेस कहीं पर भी देना, नॉट ओनली फॉर इमेजेस, कहीं पर भी आपको देना है
एंड एंड बीएसपी इस तरीके से आप कर सकते हैं। दिस बार देख रहे हो है ना, अगले पे आते हैं। ये परफेक्ट टैग, इमेज टैग और बॉडी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कैसे लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे बहुत सारे पेजेस बनाने हैं और लिंक करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ओपन किया infovian.com, है ना, ये कोर्स पे किया तो कोर्स का पेज यहाँ पर ओपन हो गया, इंक्वायरी का किया तो इंक्वायरी पेज ओपन हो गया, रजिस्ट्रेशन किया का तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया, है ना, स्टूडेंट लॉगिन का किया तो वहाँ पर लॉगिन वाला आने लगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, एडमिन किया तो एडमिन आने लगा, तो लिंक पे क्लिक करने पे दूसरा पेज ओपन हो रहा है। मैं ऐसे ही पेज चाहता हूँ, है ना, तो अपन एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, नया पेज बना लेते हैं। परफेक्ट, तो एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, इसको मैंने क्लोज कर दिया इसी में, है ना, वेब डिजाइनिंग में। एक काम करते हैं, राइट क्लिक करके मैंने इसको नाम दे दिया प्रोजेक्ट वन, प्रोजेक्ट वन दे दिया इसका नाम, क्या दे दिया, प्रोजेक्ट वन, प्रोजेक्ट वन, ठीक है। और इसके अंदर अपन ये मूव कर देते हैं, परफेक्ट, ओके। राइट क्लिक किया, दूसरा बनाया मैंने प्रोजेक्ट टू नाम से, प्रोजेक्ट टू, परफेक्ट। प्रोजेक्ट टू के अंदर हमें कंटेंट लिखना है, प्रोजेक्ट टू के अंदर हमें कंटेंट लिखना है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, पहले तो हमें HTML का पेज बनाना है। आप HTML का पेज बनाने के लिए या तो आप नोटपैड का यूज़ करोगे या फिर किसी और एडिटर का यूज़ करोगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कम परेशानी हो, टाइपिंग मेरी फास्ट हो जाए, काम भी जल्दी हो जाए, मेरा प्रोजेक्ट भी जल्दी बन जाए, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, परफेक्ट, हम क्या करते हैं, किसी भी एक ऐसे एडिटर, टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करते हैं जिससे हमारा काम आसानी से और जल्दी भी हो जाए, आसानी से और जल्दी हो जाए। कैसे होगा, तो उसके लिए सिंपल सा हमें क्या करना होता है ना, कोई भी एडिटर का यूज़ करना नोटपैड के अलावा। तो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा विजुअल स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो कोड, ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा सबलाइम टेक्स्ट भी होता है, सबलाइम टेक्स्ट ये एडिटर है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, दिस वन, ये देख रहा हो, ये भी आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, मज़ा आएगा कोड करने में। इस तरीके से देख रहा हो, ऐसा कोड होता है इस तरीके से, है ना, या फिर विजुअल स्टूडियो कोड सबसे बेस्ट है, विजुअल स्टूडियो कोड बहुत शानदार है ना, ये आप डाउनलोड कर सकते हो, देख रहा विजुअल स्टूडियो कोड। तो इंटरनेट से आपको सिंपल डाउनलोड कर लेना है और आप देखोगे यहाँ से आप किसी भी लैंग्वेज पे काम कर सकते हो, पाइथन, C++, GitHub, है ना, जावा, व्यू, C#, किसी पे भी कर सकते हो। तो अभी अपन काय के लिए कर रहे हैं काम, HTML, CSS, JavaScript के लिए हमें यहाँ पर आना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लेना है, विजुअल स्टूडियो कोड देख रहे हो ओपन हो रहा है, बाकायदा कोई दिक्कत नहीं। ओपन हो रहा है, जस्ट वेट अ मिनट। ये अभी कुछ और खुला हुआ है, इसको क्लोज कर दें अपन। हमें अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है, कैसे करेंगे, फाइल पर जाना है, ओपन फोल्डर, कहाँ पर है अपना, डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप पर है माय वेब डिजाइनिंग और प्रोजेक्ट टू, सेलेक्ट कर लिया फोल्डर को, सेलेक्ट फोल्डर, सिंपल, ओके, उसकी विंडो ओपन हो जाएगी, परफेक्ट। इसको क्लोज कर दो, इसके अंदर अभी कुछ है क्या, प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, हमारा फोल्डर कैसा है, एकदम ब्लैंक है, प्रोजेक्ट टू के अंदर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फाइल बनाएंगे, आप डायरेक्ट यहीं से फाइल बना सकते हो, तो सिंपल सा ये प्रोजेक्ट टू ओपन हो गया है फोल्डर, इसमें आपको न्यू फाइल दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर नाम देना जो भी आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल home.html, ओके कर दिया। अभी आप देखना इसका कमाल, ओके, मैंने नॉर्मल HTML लिखा, कोई एंगल ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट कुछ नहीं लगाया, HTML लिखा, एंटर किया, ऑटोमेटिक ओपन क्लोज हो जाएगा, ऑटोमेटिक। दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड, परफेक्ट। फिर हेड लिखा, हेड,
परफेक्ट, ऑटोमेटिक आ गए, टाइटल लिखा, टाइटल परफेक्ट है ना, बोल दिया इन्फोवियन फॉर एग्जांपल, दिस वन। अगला लिखा मैंने हेड, हेड टाइटल, इसके बाद बॉडी, बर्थ परफेक्ट है ना, आ गया। इसको फिलहाल के लिए बंद कर सकते हो आप इस पर क्लिक करके, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ऐसा इसी पे क्लिक करना, ये दिख रहा है आपको, ओके दिस वन, इस पे क्लिक करोगे क्लोज हो जाएगा, ये देख रहा बॉडी। अब मैं चाहता हूँ ऊपर मुझे कुछ हेडिंग्स देनी है, जैसे यहाँ पर जो दिखाई दिखता है ना हेडिंग्स देनी है, हेडिंग्स है ना, जैसे कि आप देख रहे हो, वापस से मैं ओपन कर लेता हूँ, ये हेडिंग्स देख रहे हो आप, ऐसे हेडिंग्स देख रहा हूँ, मुझे क्या करना है, यहाँ पर भी हेडिंग देना है और लिंक्स बनानी है। लिंक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखते हैं ए टैग, ए ए, जैसे ए लिखोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा ए एच आर ई एफ। नोट पैड पर करते हो तो ओपन क्लोज करो, ए लिखो और ए को क्लोज करो, स्लैश ए, ओके ओपन क्लोज, ये हो गया। अब एंकर के साथ, इसको बोलते हैं एंकर टैग, काय के लिए, लिंक के लिए, कि मैं क्लिक करूं तो दूसरे पेज पर मूव करे, उसके लिए होता है एंकर टैग। एंकर टैग क्यों यूज करते हैं, कि मैं जैसे ही उस पर क्लिक करूं तो दूसरे पेज पर वो मूव हो जाए, उसके लिए एंकर टैग का यूज करते हैं। एंकर टैग में हमें सिर्फ ए लिखना पड़ता है, एंकर नहीं लिखना पड़ता है, ए लिखना पड़ता है, ए के साथ हमें उसका रेफरेंस देना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर रेफरेंस, एच आर ई एफ लिखते हैं, दिस बार इक्वल लगाना है, डबल कोट्स लगाना है, ओके। और यहां पर हमें उस पेज का नाम लिख देना है जिस पे हम जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ होम डॉट एच टी एम एल पर मुझे जाना है, और यहाँ पर मुझे दिखाना क्या है, दिखाना है मुझे कैपिटल में होम दिखाना है, ऐसा परफेक्ट, देख लो यहाँ पर आ जाओ फोल्डर के अंदर, प्रोजेक्ट टू में पेज बन चुका है होम नाम से, देख रहे हो आप, है ना, ये होम आ गया, इस पर क्लिक करोगे तो वहीं पर आओगे, क्योंकि होम पे ही होम पे कर रहा हूँ क्लिक। अगले पे आता हूँ, फिर मैंने क्या किया, अगेन ए लिखा, इंटर किया, ऑटोमेटिक पूरा आ जाएगा, ए एच आर ई एफ अपने आप आ गया। यहाँ पर मैंने लिख दिया अबाउट डॉट एच टी एम एल फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने कुछ और लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल दूसरा टैग कौन सा है, यहाँ से देख लेते अपन, कोर्सेस है, ट्यूटोरियल है, ऐसे लिख दिया है ना। यहाँ पर मैंने दूसरा लिख दिया सर्विसेस, सर्विसेस है ना, सर्विस डॉट एच टी एम एल ऐसा लिख दिया, और यहाँ पर शो करना चाहता हूँ मैं सर्विसेस, सर्विसेस सेव कर दिया। सेव करने के बाद वापस से आओ, चेक करो, दोनों आ गए होम और सर्विसेज, लेकिन जैसे ही मैं सर्विसेज पे क्लिक करूंगा एरर दे देगा, है ना, फाइल वाज नॉट फाउंड, क्यों, क्योंकि मेरे पास सर्विसेज नाम का कोई पेज है क्या, है ही नहीं, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, अभी बना लेंगे अपन, फिर से अपन ने एंकर टैग लगाया। ये डॉट एच टी एम एल लिखना बहुत जरूरी है क्या बेटा, पेज कौन सा है हमारा, नहीं हम कोडिंग किस में करते हैं, एच टी एम एल में करते हैं ना, तो हमारा पेज अपन बनाएंगे, अभी है नहीं है HTML, है ना, तो HTML या HTML जब आप ये सर्विस, सर्विसेज वहां पर दिखाई दे रहा, देखो आप ये आ रहा है। अब एंकर टैग जब भी लगाते हो तो ये आपको क्लिक करने की फैसिलिटी दे रहा है, जैसे ही आपने इस पर क्लिक करा तो ये क्या करेगा, ये इस वाले पेज पे मूव करेगा। अब उस वाला वो पेज है कि नहीं है, तो पेज ही नहीं है, यदि पेज होता तो उस पर चला जाता, ओके दिस बार। अगेन अगला मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल अबाउट डॉट एच टी एम एल, अबाउट डॉट एच टी एम एल, ये हम पेज बनाएंगे है ना, मैं लिख दिया यहाँ पर अबाउट अस, अबाउट अस परफेक्ट। अगला दिया मैंने फिर से एंकर टैग, मैंने बोल दिया कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल है ना, और बोल दिया यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस है ना, हो गया। एक और बना लेते हैं एंकर टैग है ना, होम सर्विसेस अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस और कुछ फैक्स फ्रिक्वेंसी आस्क क्वेश्चन है ना, एफ ए क्यूज डॉट एच टी एम एल बोल दिया, एफ ए क्यू हाइफन एस ऐसा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, जितनी आपको लिंक देना दे सकते हो, बहुत सारी लिंक दिखाई दे रही है, देखो कोई भी नहीं चलेगी, लेकिन क्योंकि है ही नहीं, पेज ही नहीं है, सिर्फ होम होम चलेगा बस, ओके। अब मैं चाहता हूँ इनमें स्पेसिंग आ जाए, अभी क्योंकि स्पेसिंग नहीं आ रही अपनी, स्पेसिंग कैसे आएगी, अभी बताया था मैंने है ना, एंड एन बी एस पी सेमी कॉलन, इसको कॉपी कर लो और पेस्ट करते जाओ, तीन तीन स्पेस दे दिए फॉर एग्जांपल, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सॉरी
ओके, यहाँ पर भी परफेक्ट। करने के बाद अभी आप देखोगे परफेक्ट स्पेसिंग आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि इस पे क्लिक करें तो पेज ओपन होना चाहिए, ठीक है, वो भी कर लेंगे। अभी मैंने क्या किया, बॉडी पर यहाँ पर बोल दिया बैकग्राउंड कलर, बॉडी बीजी कलर बोल दिया, है ना, बीजी कलर उठा लेते फटाफट HTML कलर कोड से। कल बताया था मैंने HTML कलर कोड्स वेबसाइट, यहाँ से आप बहुत अच्छा कलर कोई भी कलर ले सकते हो, है ना। इसमें भी बहुत सारे कलर्स हैं, आपको ये दिखाई दे रहा है ना। सेलमन ले लिया मैंने, सेलमन, सेलमन चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं, चेक कर लेते हैं, या फिर कलर कोड तो है ही, है ना। सेलमन इसमें नाम डाल दिया मैंने, चेक कर लेते हैं इट इज़ वर्किंग और नॉट, परफेक्ट वर्किंग, है ना, है ना। ओके, ये लाइट सेलमन है ना, लाइट सेलमन, लाइट सेलमन डाल दो, परफेक्ट इट इज़ ऑल्सो वर्किंग। ओके, इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ सर्विसेज पेज बनाऊँ तो क्या करोगे। मैंने एक अगेन यहाँ पे गया, मैंने एक और पेज बनाया, इसका नाम दे दिया क्या, services.html, services.html, परफेक्ट। ओके, HTML हेड टाइटल, ठीक है, बोल दिए सर्विसेज, कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। और इसके बाद मैंने दे दी बॉडी, बॉडी के अंदर बोल दिया फॉर एग्जांपल H1, फिलहाल समझने के लिए दिस इज, है ना, सर्विस पेज, सर्विस पेज लाइक दिस, परफेक्ट। बैकग्राउंड कलर चाहिए दे दो बीजी कलर, कलर डिफरेंट डिफरेंट देंगे ताकि अपने को जो है एकदम परफेक्शन रहे, है ना। देखो कितने गजब गजब कलर है, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स हैं। बैक कर दो उसको, येलो टाइप, लाइट येलो, ये ग्रीन येलो, लाइट ग्रीन, कॉपी किया पेस्ट कर दिया, परफेक्ट। दो पेज हो गए, एक होम तो है ही, दूसरा बनाया मैंने सर्विसेज डॉट HTML। जो पेज यहाँ पर बनाओगे उसका नाम ही यहाँ पर चल सकता है, या फिर आपने यदि पहले से नाम दे दिए, जैसे अपन ने पहले से नाम दे दिए है ना, तो उसी नाम से आप यहाँ पर पेज बना लो। तीसरा मैंने बनाया अबाउट डॉट HTML। ओके, दिस बार अब क्या करो, ये सर्विसेज वाला पूरा कॉपी कर लेता हूँ मैं और अबाउट में पेस्ट कर देता हूँ, है ना। यहाँ पर लिख दिया मैंने अबाउट अस, ओके, और यहाँ पर भी मैंने बोल दिया दिस इज अबाउट पेज, अबाउट पेज, अबाउट अस पेज, ओके, परफेक्ट। बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर देना हूँ ताकि आपको डिफरेंट अलग से दिखाई दे, ये लाइट लाइट ब्लू टाइप का कर दिया मैंने, है ना, दिस बार, परफेक्ट हो गया। ओके, इसके बाद है, क्यों करना है यार, तुम पापा से बोला था तुमने, रन किया मैंने, है ना, अभी होम तो चल ही रहा है, सर्विस उसके क्लिक किया अभी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने सेव नहीं किया है। कंट्रोल एस कर दो यहाँ पर, परफेक्ट, वापस से आता हूँ मैं, ठीक है, बैक किया, रिफ्रेश किया मैंने, है ना, सर्विसेस चल रहा है, नॉट वर्किंग, सर्विस डॉट HTML, है ना। तो अपन ने क्या दिया है, देखो यहाँ पर सर्विसेज दिया है और यहाँ पर अपन ने क्या लिखा, सर्विस डॉट HTML, मिस्टेक हो रहा है, सर्विसेज कर दो इसको, है ना, तो इसको चेक करना ज़रूरी है, इसलिए एरर दे रहा था, फिर से आता हूँ मैं। ओके, रिफ्रेश किया, सर्विसेज दिस इज सर्विस पेज, परफेक्ट। बैक किया अबाउट अस, अबाउट पेज, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही चल रहे, सर्विस पेज और ये अबाउट पेज सही आ रहे हैं। अगले पे आते, कॉन्टैक्ट और फैक्स और बनाना अपन को, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, ये नाम कॉपी कर लो ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, जैसे अभी हो गई थी, मैंने अगेन न्यू किया, पेस्ट कर दिया यहाँ पर कॉन्टैक्ट डॉट HTML। क्या करो, यहाँ से कहीं से भी ये पूरा कंटेंट उठा लो अभी फिलहाल, और कॉन्टैक्ट पे ही पेस्ट कर दिया मैंने, ये बोल दिया कॉन्टैक्ट, है ना, ये तो टाइटल में चल रहा है ना, टाइटल में बोल दिया कॉन्टैक्ट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज। कलर इसका चेंज कर देते अपन ताकि बिल्कुल अलग से दिखाई दे, है ना, सिर्फ समझने के लिए बट, है ना। कॉपी किया दिस वन, परफेक्ट, ये हो गया। एक और बचा, कौन सा बचा, फैक्स डॉट HTML, FAQs डॉट HTML, FAQ डॉट HTML बनाया यहाँ पर, दिस वन,
परफेक्ट, ओके, कॉपी कर दिया मैंने और यहाँ पर जो है फेक में पेस्ट कर दिया। दिस इज है ना एफ ए क्यू एस पेज फैक्स पेज लाइक दिस। कलर इसका भी मैं चेंज कर देता हूँ, ये मैंने पर्पल टाइप से डाल दिया कोई भी कलर, है ना, और यहाँ पर मैंने क्या किया पुट कर दिया। परफेक्ट, अभी आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, रिफ्रेश किया सर्विसेज बढ़िया चल रहा है, अबाउट अस ये भी सही चल रहा है, कॉन्टेक्ट अस ये भी सही चल रहा है ना, वैकेंसी आस क्वेश्चन सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अपन आते हैं यहाँ पर अपने होम डॉट एच टी एम एल में, इसके नीचे मैंने क्या किया एक एच आर टैग दे दिया, अभी आप देखोगे है ना यहाँ पर नीचे लाइन भी आ गई। ओके, कुछ और थोड़ा सा गैप देना है, मैंने यहाँ पर बी आर टैग दे दिया, ऊपर भी बी आर टैग दे देता हूँ ऐसा। परफेक्ट, समझ में आए, एंकर टैग समझ में आ गया अच्छे से सभी को। अगर मैंने एक और दे दिया, परफेक्ट, ओके। अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि यहाँ पर तो मैं हूँ कहाँ पर, होम पेज पर, मैंने बोल दिया यहाँ पर एच वन और होम पेज, ये अभी कहाँ पर है, होम पेज पर है, होम पेज पर हूँ, सर्विसेज पे क्लिक करूँ, अब मुझे यहाँ से मुझे जाना है होम पेज पर तो बैक आना पड़ेगा, या सर या फिर कॉन्टेक्ट पर तो बैक आना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूँ हर पेज पर, सर्विसेज पर है ना, अबाउट पर और जितने भी अपने कॉन्टेक्ट पर फेक्स पर सभी पे, ये वाला जो कॉमन आइटम ऊपर का दिख रहा है सब पे होना चाहिए, सब पे होना चाहिए। तो मैं सिंपल सा क्या करूँगा, ये जो कंटेंट यहाँ से लेके यहाँ तक का है ये मैं एज इट इज कॉपी कर लूँगा, मैंने इसको क्या किया कंट्रोल सी कॉपी कर लिया। ओके, कहाँ कहाँ पेस्ट करना, सभी जगह पे है ना, तो मैंने क्या किया अबाउट डॉट एच टी एम एल में यहाँ पर पेस्ट कर दिया पहला, कॉन्टेक्टस में इसमें भी मैंने पेस्ट कर दिया, परफेक्ट, एफ ए क्यूज में यहाँ पर भी मैंने पेस्ट कर दिया, ये भी परफेक्ट है, सर्विसेज में ये भी मैंने पेस्ट कर दिया, सॉरी पेस्ट कर दिया, परफेक्ट। आर यू गेटिंग मी और नॉट, समझ में आया सभी यस को, है ना। सर अभी आप देखोगे रिफ्रेश करा मैंने, अभी होम पर हूँ मैं, सर्विसेज पर आ गया, देखो वहाँ पर भी दिख रहा है, यहीं से मैं जा रहा हूँ अबाउट पर, यहीं से सर्विस देख रहा हो, हर एक पेज सेपरेट सेपरेट ऊपर हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे एफ ए क्यूज डॉट एच टी एम एल पर हूँ, कॉन्टैक्ट खुल गया ये कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल पर आ गया, अबाउट ओपन हो गया सर्विसेज डॉट एच टी एम एल, यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हो है ना होम डॉट एच टी एम एल लाइक दिस, तो ये हो गया कॉमन आइटम अपने पास। आर यू गेटिंग मी और नॉट, हेलो एवरीवन, ओके अगले पर आता हूँ, नेक्स्ट पर। अब मैं कहाँ पर आया, होम में, होम का कलर थोड़ा सा मैं लाइट कर दे रहा हूँ तो डार्क सा दिख रहा, अच्छा नहीं दिख रहा मुझे, मैं इसको लाइट कर दिया है ना, होम का कलर लाइट सेलमन नहीं चाहिए मुझे, ये वाला कलर चाहिए, अभी परफेक्ट है, ओके दिस बार अभी अच्छा लग रहा, लाइट लाइट कलर अच्छे लग रहे हैं, परफेक्ट। अब यहाँ होम पे मुझे कंटेंट डालना है, यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन है तो नहीं है किसी को भी, मुझे बताएं प्लीज़, यदि कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ बताएं मुझे, पहले इतना मैं भेज दे रहा हूँ आपको ताकि आप इस पर भी काम कर सकें और अगले पे भी काम कर सकें। ओके, ये मैंने पूरे के पूरे ऐसे के ऐसे आपको सेंड कर दिए, जस्ट वेट अ मिनट, सेंड सक्सेसफुल, परफेक्ट, ओके परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। ओके नाउ अभी आप देखेंगे जो मैंने यहाँ पर पुट किया, अब मैं चाहता हूँ कि इन पर कंटेंट लिखना है, ये तो नॉर्मल था अपना होम वाला, यहाँ पर मुझे कंटेंट लिखना है, जैसे होम में जो भी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है लाइक दिस है ना, वेलकम टू इन्फोवियन टेक्नोलॉजीज लाइक, इस तरीके से अपन कुछ लिख देते हैं कंटेंट। ओके, तो मैंने क्या करा है यहाँ पर लिख दिया एच वन में है ना, यहाँ पर होम पेज लिखा है, यहाँ पर लिख दिया मैंने वेलकम टू फॉर एग्जाम्पल इन्फोवियन टेक्नोलॉजीज, सेंट्राइज करना है तो वही सेम थिंग, सेंटर टैग का यूज़ कर दोगे, सेंटर टैग, ओके ओपन हुआ और एक क्लोज कर दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं। इसी के बीचों बीच मैंने एच टू टैग भी लिया, एच टू मुझे लिखना ये वाला कंटेंट, क्या आई टी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट ISO 9002
9001-2015 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट लाइक दिस। मैंने क्या किया, हाँ आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट पहला। इसी के बाद मैंने क्या किया, बीआर टेक दिया बीआर, और बोल दिया आईएसओ 9001-2015 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट। परफेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, परफेक्ट परफेक्ट। अभी आप अगेन देखेंगे ये वाला, यहाँ पर ये परफेक्ट आ गया बीचों बीच सेंट्राइज। मैं चाहता हूँ यहाँ पर मुझे एक छोटा सा कोई इमेज लगाना है ना। अब इमेज लगाना है, इमेज लगाना तो यहाँ पर एक फोल्डर बना ले पहले। तो मैंने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट टू के अंदर फोल्डर बना लिया, काहे के लिए, इमेजेस के लिए, परफेक्ट, इमेजेस के लिए फोल्डर बना लिया है ना। अब मेरे पास यहाँ पर आप देखोगे इन्फोवियन का ये है मेरे पास लोगो, कॉपी करा मैंने और अपने फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट कर दिया, लोगो पीएनजी फाइल है। ओके चेक कर लेते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं अपन। सेंटर में ही लगाना है, सेंटर में ही लगा दो, या ऊपर जहाँ पर भी लगाना आपको है ना, तो ऊपर लगा देते हैं अपन। वेलकम के पहले क्या लगाएंगे, आईएमजी, एसआरसी ऑटोमेटिक आ जाएगा, विजुअल स्टूडियो कोड का फीचर है, अपने को अलग से देने की जरूरत नहीं, आईएमजी एसआरसी। ओके इमेजेस स्लैश क्या नाम है, स्लैश लोगो डॉट पीएनजी, यही था लोगो डॉट पीएनजी। अब यहाँ पर दिख रहा है अल्ट, अल्ट अल्ट क्या होता है बताता हूँ, इसको भी हटा देते हैं, नॉर्मल जैसा लिखा था, जैसा अपन पहले लिखते आए थे वैसे ही लिखा, ये देख रहा हो आप इस तरीके से आ गया, बैकग्राउंड हमारा जैसा था वैसे का वैसे ही आएगा, इमेज है क्योंकि फोटो चिपकाई है। अब वो बोलोगे सर ये तो बैकग्राउंड तो ट्रांसपेरेंट चाहिए था, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा अभी है ना, क्योंकि ये सेपरेट इमेज, यदि ये पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट होती तो आप वैसा लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, वैसे की वैसे ही आ जाती। ओके से अभी अपन लोगो लगाएंगे, यहाँ पर नीचे एक लोगो लगा देंगे तो वो ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरीके से आ गई इमेज, छोटी बड़ी करना कर सकते हो, मान के चलो बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक यहाँ पर ये मिस्टेक है, एल ओ ओ डॉट पी एन जी, अब यहाँ पर तो एरर नहीं दिख रही है, ये इमेज बस दिख रही है। तो यदि मैं चाहता हूँ कि यदि है ना इमेज किसी प्रकार से मिस होती है तो वहाँ पर उसका नाम आ जाए, तो मैंने बोल दिया कि इन्फोवियन टेक्नोलॉजीज लोगो है ना, लोगो लाइक दिस, ऐसा मैंने बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल इन्फोवियन टेक्नोलॉजीज लोगो, ऐसा मैंने लिख दिया। यानी कि यदि किसी भी प्रकार से इमेज नहीं आएगी तो वहाँ पर उसका नाम आ जाएगा, ये देख रहे हो नाम, अल्टरनेट बोलते हैं उसको, ए एल टी टैग। ओके मैंने अभी लिख दिया और यदि सही आ रहा है, इमेज को पाथ प्रॉपर मिल रहा है, शो हो रही है, तो यहाँ पर ये अल्ट नहीं आएगा, मतलब ये लिखा नहीं आएगा, ऑटोमेटिक सिर्फ ये आएगा, परफेक्ट, दस बार इमेज आ गई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ओके परफेक्ट एकदम। अब अगले पे आता हूँ सर, मुझे ये जो हेडिंग्स दिख रही हैं ये थोड़े थोड़े बड़े बड़े दिखाना है, तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, नो प्रॉब्लम है ना। आप क्या कर सकते हो, इसमें भी एच टू टैग लगा दो, एच टू टैग इज गुड। मैंने ओपन किया और यहाँ पर क्लोज कर दिया। ओके सिर्फ अपन ने होम पे किया है, अभी सिर्फ होम पे दिखेगा, होम वाले पे ये देख रहे हो, होम पे बस दिख रहा है, बाकी कहीं नहीं दिख रहा है ना, लेकिन ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है मुझे, S3 कर देते हैं ना, S3 है ना, एक BR हटा दो यहाँ से, S3 परफेक्ट है ना। ओके परफेक्ट, सेम थिंग आप सब जगह पे कर दोगे। ओके तो यहाँ पर क्या किया मैंने, S3 यहाँ से क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, परफेक्ट। कॉन्टैक्ट में भी S3 कर दिया मैंने, S3 क्लोजिंग आपको यहाँ पर दे देता हूँ, ये बीआर टैग हटा दो, और कुछ अबाउट में भी है, यहाँ पर भी मैंने S3 लगाया है ना, इसको भी मैंने यहाँ से हटा के यहाँ पर लगा दिया, परफेक्ट। सर्विसेज में भी S3 लगाया, सबका सिमिलरिटी आ जाएगा। है ना, ओके परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, सभी में सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके परफेक्ट, मैं यहाँ पर नीचे एक और लोगो लगाना चाहता हूँ है ना, जो कि ट्रांसपेरेंट, तो वो मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी है मेरे पास है लिस्बन लोगो, दिख रहा है कहीं,
यहाँ पर होगा, यहाँ पर लोगो दिख रही है ना? नहीं है जिस पर, इसको कॉपी करा मैंने और अपने डेस्कटॉप वाला जो अपना है वहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। डेस्कटॉप वेब डिजाइनिंग प्रोजेक्ट टू के अंदर इमेजेस के अंदर, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया अनटाइटल्ड वन डॉट, जो भी नाम है ना वो मैंने लिखा, और डॉट PNG कहाँ पर लगाना है मुझे? यहाँ पर लगाना है होम में, है ना, होम पे नीचे यहाँ सेंट्राइज करना होगा। क्या लगाओगे? AIMG टैग। सोर्स दे दिया मैंने, है ना, इमेज इमेजेस इमेजेस स्लैश अनटाइटल्ड वन डॉट PNG, जो भी नाम था वो अपन ने रखा है, जो कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगेन आया मैं, रन कर दिया, है ना। अभी ये बहुत बड़ा लोगो है, ये देखो कहाँ कहाँ पहुँच गए, इतना बड़ा लोगो है कि क्या बताऊँ। ये देखो इसकी साइज अपन को कम करनी पड़ेगी, ठीक है, बहुत बड़ा लोगो है क्योंकि वो है ना ओरिजिनल लोगो है, तो बहुत बड़ा लोगो। तो मैंने क्या किया, हाइट 500, विड्थ 500 पिक्सल, है ना, 500। ओके परफेक्ट, जस्ट मैंने किया यहाँ पर, एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाइट थोड़ा सा अपन कम कर लें क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है, 450 खींचा हुआ सा लग रहा है अभी, ठीक है, और छोटा करना तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओके, सो 350 मैंने कर दिया ये, और 421 कर दिया ये, 420 अच्छा ही लगता है इसलिए मैंने ये कर दिया, ठीक है, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। अगले पे जाता हूँ सर्विसेज पे, यहाँ पर मैं कुछ और कंटेंट लिखता हूँ, सर्विसेज डॉट HTML। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट आइटम, ओवरलोड तो नहीं हो रहा ना कोई भी, बढ़ते जाऊँ। हेलो, मैंने बोल दिया यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल H2 और बोल दिया आवर सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल, है ना, आवर सर्विसेज ऐसा मैंने दिया। अभी आप देखोगे आवर सर्विसेज लिखा आ गया। अब मैंने क्या करा यहाँ पे, मुझे लाइन बाई लाइन ऐसे वो आते ना एक एक करके बुलेट्स के थ्रू लिखा रहता है, जावा सी सी प्लस प्लस हाइबरनेट स्प्रिंग ऐसा, है ना, इसी टाइप से मुझे लाइन बाई लाइन चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं। क्या लिस्ट बनाते हैं? बुलेट्स के लिए लिस्ट बनाएंगे। कैसे लिस्ट बनाते हैं? तो लिस्ट किस टाइप की है? बुलेट वाली, मतलब मुझे वहाँ पर बुलेट दिखना चाहिए। बुलेट दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं EOL टैग। क्या टैग? UL। UL यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। UL को ओपन करना है और क्लोज करना, अनऑर्डर लिस्ट यानी कि इसके अंदर जो भी रखा जाएगा सब बुलेट के फॉर्म में आएगा, नाम नहीं आएंगे, मतलब नंबर नहीं आएगा, इसको बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट, UL टैग। अगले पे आया मैं, UL के बाद मैं यहाँ पे आया, फिर मैंने क्या करा यहाँ पे, UL के बाद यहाँ पे क्या किया, लिस्ट आइटम LI टैग इसके अंदर रखना है, LI यानी कि इस लिस्ट का आइटम क्या है, इसको बोलते हैं LI टैग। अब आवर सर्विस में मैंने बोल दिया ट्रेनिंग, ओके एक हो गया, फिर मैंने एक और LI दिया, मैंने बोल दिया प्लेसमेंट, है ना, दो हो गए, ये देख रहे हो दो हो गए, है ना। अभी आप चेक कर लो दो के दो, ये देखो बुलेट्स के फॉर्म में आ गए यहाँ पर, ट्रेनिंग प्लेसमेंट लाइक दिस, वन ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऐसा आपने लिखा, और लिख सकते हो, और लिख देते हैं LI, ठीक है, सॉफ्टवेयर है ना डेवलपमेंट, या फिर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट अकेले लिखा मैं, अगेन और देख दिया, है ना, आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग देख लेना, आउटसोर्सिंग है ना, डेस्कटॉप है ना, और लैपटॉप, इम्पोर्टेड लैपटॉप लाइक दिस। इस तरीके से मैंने क्या किया, ऐसे सर्विसेज नाम लिख दिए, फॉर एग्जांपल दिस वन, देख रहे हो अभी परफेक्ट है ना। तो बुलेट के फॉर्म में चाहिए तो क्या करोगे, EOL के अंदर लिखोगे, और इसी को नंबर वाई नंबर चाहिए तो कैसे लिखेंगे, OL टैग होता है, ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं इसको, OL है ना। OL के अंदर मैंने वापस से क्या किया, इनको कॉपी कर लेता हूँ, टाइम बचेगा, LI अगेन एज इट इज परफेक्ट है ना, नंबर में नंबर आएगा ऑटोमेटिक,
ये देख रहा हूँ 1 2 3 4 लाइक दिस। यहाँ पर भी कुछ भी लिख दो, एस टू है ना, सर्विसेस ऐसा कुछ भी लिख दिया, थोड़ा हेडिंग टाइप का लगे ऐसा। देख रहा हूँ नंबर बाई नंबर, मैं चाहता हूँ कि ये जो नंबर आ रहा है मुझे ए बी सी डी में चाहिए, तो यहाँ पर मैं ओ एल के साथ चेंज कर दूंगा, मैं लिख दूंगा टाइप। एक काम करता हूँ, ये एज इट इज रहने देता हूँ, एक और मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाए। मैंने यहाँ पर क्या किया, ओ एल के साथ मैंने बोल दिया टाइप, यहाँ पर बोल दिया ए स्मॉल, ए स्मॉल, ए स्मॉल, बी स्मॉल, सी, ऐसे आ जाएगा। देख रहा हूँ नीचे वाला ए बी सी डी से आ गया। यदि मान के चलो मैंने यहाँ पर कैपिटल ए से स्टार्ट किया, कैपिटल ए से, कैपिटल ए बी सी डी इस तरीके से आप देख रहे हो, ये आ गया ई एफ जी ऑटोमेटिक। रोमन नंबर लिख दोगे यहाँ पर छोटा आई, तो आई डबल आई ट्रिपल आई, मतलब वो ही रोमन वाला स्मॉल वाला, ये आ गया। देख रहे हो आई डबल आई ट्रिपल आई वी 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 आई वी डबल आई लाइक दिस। कैपिटल लिख दोगे तो कैपिटल के रोमन आने लगे, समझ में आ रहा, यही है। लेकिन दिस वन देख रहे हो आप परफेक्ट। यदि मैं नन लिख दूंगा यहाँ पर, क्या लिख दूंगा, टाइप इक्वल टू नन, टाइप इक्वल टू नन, सॉरी इट इज नॉट वर्किंग। इसको अपन एज इट इज कर देते हैं, है ना। आई लिख दिया मैंने यहाँ पर, यू एल में देता हूँ, यू एल के साथ मैंने बोल दिया टाइप, टाइप इज इक्वल टू नन, इट इज़ वर्किंग और नॉट, नन मतलब कुछ भी नहीं। हाँ ओके परफेक्ट। तो यदि बुलेट्स नहीं चाहिए तो यू एल के साथ चलता है, बुलेट्स नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, टाइप इक्वल टू नन लिख देंगे, तो कुछ भी नहीं आएगा उसके साथ, बुलेट नहीं दिखेंगे आपको, बस लाइन बाय लाइन कंटेंट दिखाई देगा, दैट्स इट। ओके तो अभी मैंने टाइप को जो हटा दिया है ना, ज़्यादा है तो मैं इसको एक काम कर देता हूँ, फिर से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इस बार, और यहाँ पर बोल दिया टाइप इक्वल टू नन, एन ओ एनी नन, परफेक्ट परफेक्ट। ये नन, ये वाला बुलेट्स वाला, ये नंबर वाला, ये आई आई वाला, या फिर यहाँ पर ए बी सी डी दे दो, जो भी आपको जैसा भी सही लगे वैसा कर सकते हो। सभी को बनेगा कि नहीं बनेगा मुझे प्लीज़ कंफर्म करें। ओके अभी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अपन इसको कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। इसमें अभी आपको पेजेस बनाना है ना। ओके इस तरीके से आप देख रहे हो, बहुत सिंपल सा पेज बनाया अपन ने, बहुत सिंपल सा वेबसाइट बनाया HTML के थ्रू, लेकिन अच्छा बना है, आप देख सकते हो। ओके आई एम सेंडिंग दिस, रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए प्लीज़। रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए सुमित।